हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस परीक्षा के लिए एग्रीकल्चर के जो आपका पार्ट है, जो आपका सेशन है उसके बारे में, और ये इसका पार्ट टू है। और आज हम इसमें करेंगे भारत की कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको देखकर जरूर जाना, क्योंकि एग्रीकल्चर का देखिए आपके पास एक अलग से सेशन दिया हुआ है हरियाणा पुलिस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं इन क्वेश्चंस का आपको डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा, ठीक है? अगर आप समय चाहते हो तो वीडियो को पॉज करना और बाद में मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। और देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, वृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सी फसल है जो कि नकदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं जो है वो एक नकदी फसल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। अब देखिए आपको रबी और खरीफ की फसल ही पता होनी चाहिए, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, और कौन सी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, और ऑप्शन आपके सामने जो है वो गिवन है। अब देखिए जो ऑप्शन डी है हमारा जूट, वो हमारे जो है रबी की फसल में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। ओके, और इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखिए चावल सबसे ज्यादा जो उत्पादक राज्य की बात करूं तो वो हमारा पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखेंगे ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, और क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए चावल। ठीक है, गेहूं, देखिए गेहूं नहीं है भारत की प्रमुख खाद्य फसल, चावल है वो प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को बोलते हैं भारत का चावल का कटोरा। और वैसे हम एक प्रॉपर जगह को भी बोलते हैं भारत का चावल का कटोरा, जो कौन सी है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को भी भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए इतना स्पीड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सातवां क्वेश्चन है, भारत में गेहूँ के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। ठीक है, ये गेहूं के उत्पादक राज्य पूछा है, प्रथम तीन बड़े। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है, और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं का उत्पादक राज्य है, फिर पंजाब, और तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो देखिए जो सबसे बड़ा है हमारा जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, वही सबसे ज़्यादा जो है वो खाद्यान्न उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। नाइन्थ क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट, धान की जो खेती है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है धान के ऊपर कि सबसे ज़्यादा जो है स्थान कौन सी घेरती है, तो वो हमारा धान यानी कि चावल ही घेरता है। नेक्स्ट देखिए टेंथ क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ओके, इसका राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी धान होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन हमारे सेम है, बस लैंग्वेज का ही फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, इलेवेंथ क्वेश्चन, और देखिए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गेहूं और चावल के ऊपर ही हरित क्रांति जो है चलाई गई थी, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें हमारा गेहूं के ऊपर डाला गया था। हरित क्रांति के देखिए हमारे भारत में शुरुआत स्वामीनाथन ने की है, और बात करूँ विश्व में तो पूरे विश्व में किसने की है, बोरलॉग ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है खाद्यान्न में से किसका अंश कम हो गया है, तो वो किसका हो गया है, इसमें आपको अलग ही दिख रहा है, दलहन और मोटे अनाज जो है उनका जो है अब अंश कम हो गया है। ठीक है, इसीलिए इतने महंगे भी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए भारत का धान्य भंडार की बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी पंजाब। ठीक है, पंजाब उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें, ये आंसर ये ध्यान रखेंगे, हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है, पंजाब, और भारत का धान्य भंडार पंजाब को ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हरित क्रांति का अर्थ है,
ऑप्शन आपके सामने गिवन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ की उपज बढ़ाना। ठीक है, यानी कि सीधे से अर्थों में कहें कि जो है कृषि की उपज बढ़ाना, अधिक से अधिक फसल उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 15वां क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और देखिए हरित क्रांति का पूरे विश्व में है वो बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा 16वां, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के चांस बनते हैं, बेशक ईजी है या टफ है डजेंट मैटर, आपको करने तो सारे पड़ेंगे चाहे आए या ना आए। ये बात ध्यान रखना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाया हुआ नहीं आता है या फिर हम पढ़ते हैं वो नहीं आता, तो देखिए आए या ना आए आपको तो करने ही है ना, आपको अपना जो काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए सिक्स जो हमारा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूंगफली जो है वो सबसे अधिक गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करूँ अगर मैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में देखिए हमारा लौंग सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, महाराष्ट्र में तो कई चीज़ें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, इसकी मैं बात करूँ तो नींबू हो गया, संतरा हो गया, हमारा जो है एक दो चीज़ें और हैं इसी टाइप की पाई जाती हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमारा मक्का पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बन जाएगी तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17वां, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में किसी को भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो वो कौन सा है, सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, और सोयाबीन में देखिए सबसे अधिक प्रोटीन होता है, कितना 42% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, और राइट आंसर ऑप्शन ए केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, सिंपल सी बात है, सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, ये सभी के सभी जो है वो मध्य प्रदेश करता है। और आपको एक बात बता दूं कि जो दाल है वो मध्य प्रदेश सोयाबीन से भी अधिक जो है दाल का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जम्मू कश्मीर में जो है वो केसर मिलता है और केसर प्राप्त होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र से, ये भी विज्ञान का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेशम कीट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, रेशम का उत्पादन की बात कर रहा है, कौन सा है, रेशम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए कर्नाटक में सबसे अधिक जो है वो रेशम पाया जाता है, कर्नाटक में चंदन की लकड़ी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आने के चांस बनते हैं, और कौन सा स्थान है, देखिए फल उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फल उत्पादन में है हमारा पहला स्थान, और बात करें हम सब्जी उत्पादन की तो सब्जी उत्पादन में भी भारत का ही प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, वो है हमारा तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और ये क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख है, और जूट जो है वो याद रखेंगे तने से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। नेक्स्ट है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है, और इसका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हुगली। अब देखिए जूट पाई जाती है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ती है, आपको पता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा, हुगली। वैसे दामोदर को भी बंगाल का शोक बोलते हैं, पर दामोदर इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये सब आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। और बात करूँ अगर मैं कॉफ़ी की तो साथ साथ कॉफ़ी का जान लीजिए, कॉफ़ी कर्नाटक में है और चाय है हमारी असम में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में सोयाबीन हो गया, और दालें हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों के दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, गन्ना उत्पादन की बात कर रहा है तो कौन सा राज्य होगा,
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य करता है, और हमारे हरियाणा में कौन सा स्टेट है, यमुनानगर सबसे अधिक गन्नों का उत्पादन करता है। भारत के प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो देखिए रबड़ पाई जाती है केरल में। ओके, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, केरल। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ओके, 32 क्वेश्चन है, और कौन सा स्थान है। अब देखिए प्राकृतिक रबड़ के बारे में, यानी जो रबड़ हमको नेचुरली प्राप्त होती है कुदरत से, उसमें भारत का चौथा स्थान है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी देशों से है वो आयात करता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी तीसरा स्थान है तंबाकू उत्पादन में भारत का। नीली क्रांति किससे संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, किससे संबंधित है नीली क्रांति भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्वच्छ जलीय मछली पाई जाती है वहां पर। शुद्ध भाषा में कहें तो सबसे अधिक मछलियां कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो क्या होगा वो हमारा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इज अ राइट आंसर। ओके, पश्चिम बंगाल जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, देखिए दुग्ध उत्पादन में हमारा भारत पहले स्थान पर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कौन सा है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध पैदा करता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और कब हुआ था, ये 1970 में हुआ था, और ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 40 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध से है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो गाइज ये थे आपके 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से ही आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट।